हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। तो मैंने भटूरे बनाने के लिए मैदा को लगभग 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब ये मेरे छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। छोले भी मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे और ये मेरी मैदा रखी हुई है तैयार हुई। और एक तरफ मैं भाई टमाटर, हरा धनिया, तेज पत्ता ये सब तैयारी करके रख लेती हूँ छोले से। अब मैं अपने छोले चेक कर लेती हूँ कि मेरे छोले अच्छे से उबले या नहीं। ये मेरे सारे मैंने मसाले निकाल लिए हैं। चलिए अब अपने छोले फ्राई करते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा ये तेल डाला है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। जब इससे धुआं लगे तो इससे बंद कर देंगे। फिर जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें सबसे पहले जीरा, तेज पत्ता, लौंग और फिर टमाटर की प्यूरी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हम ये काले छोले बना रहे हैं और इसमें मैंने ब्लैक करने के लिए डाली है छोटी हेड। घी में भून कर पीस कर रख लीजिए, उसे टमाटर में ऐड कर दीजिए तो उससे आपके छोले का रंग काला हो जाएगा, जैसे कि आपको चाय पत्ती का पानी नहीं डालना होगा और वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये थोड़ी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कुछ टाइम के लिए अपने कढ़ाई को ढक के बंद कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। अब हम अपना मसाला चेक करते हैं। तो जब हमारा मसाला ये चिकनाई छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा मसाला पक गया है। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये चिकनाई अलग हो गई, इसका मतलब ये हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम ये टमाटर वाले जार में थोड़ा सा पानी लेकर उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मिला देंगे। एक उबाल आने पर फिर हम इसमें छोले मिक्स कर देंगे। अब हम छोले ये ध्यान रखिएगा कि अच्छे से घुट जाए, क्योंकि छोले अगर थोड़े से भी खड़े रहते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए छोले अच्छे से पके हुए होने चाहिए। अब देखिए, ये मेरे छोले तैयार हैं। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। छोले भटूरे हम वैसे अक्सर बाहर ही खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन पॉसिबल हो तो घर में भी बनाने चाहिए, क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से चिकनाई यूज कर सकते हैं। और ये अब मेरे चिकनाई मैंने चढ़ा ली है और ये मैं भटूरे बेल रही हूँ। भटूरे बेलते टाइम ये ध्यान रखना कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, हल्के से हाथ से ही उसे धीरे धीरे घुमा कर उसे अच्छे से बेल लें। फिर अब मैंने चिकनाई में डालने के बाद इसे हल्का सा ऊपर से प्रेस करें। प्रेस करने से ये सारा फूल जाएगा अच्छे से और इसे बहुत ध्यान से धीरे से पलटें। घर में कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें मिर्च मसाले और सारे सामान ऐड करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब ये मेरा भटूरा तैयार है। तो चलिए अब सर्व करते हैं ये मेरी छोले भटूरे चावल की आज की थाली तैयार है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब।